दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ नहीं ये वीडियो मेरे को नहीं पता 3 से 4 घंटे वीडियो मैंने स्वयं ने देखा है उस व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि हम आधे घंटे से यहाँ बाहर खड़े हैं और दरवाज़ा नहीं खुल रहा है मैंने ये वीडियो ऐसा देखा है ये बिल्कुल गलत है। मुश्किल से उस मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट वेट करना पड़ा होगा गेट पर क्योंकि उस वक्त जो हमारा जो पेशेंट पॉजिटिव पेशेंट की एंट्री का गेट हमने अलग बना रखा है और वहाँ पर हमारा गार्ड ने पूरे टाइम 24 घंटे तैनात रहता है। गार्ड ने मुझे कहा था जो मैंने इंक्वायर किया गार्ड ने कहा सर मैं चाबी लेने अंदर की तरफ गया क्योंकि चाबी गार्ड की जेब में नहीं रहती है ये तो हमने सिक्योरिटी के हिसाब से रखा हुआ है। चाबी हमने हमारा जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ है क्योंकि गार्ड अलाउड नहीं है पेशेंट को रिसीव करने के लिए नर्सिंग स्टाफ अलाउड है तो वो गार्ड मुश्किल जब उसको पता लगा पेशेंट आया है तो उसने वो गार्ड चाबी लेने के लिए अंदर आया और अंदर लेके नर्सिंग स्टाफ से चाबी लेके अंदर गया। इसमें मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा। ये 3-4 घंटे का आरोप बिल्कुल गलत है नंबर वन। नंबर टू पेशेंट को हमने हाथ के हाथ ICU में लिया और उसको और उसके बच्चे की तुरंत केयर की गई ऐसा कोई भी आरोप मेरी समझ में पूरी तरह बेबुनियाद है और हम हर मरीज की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम कर भी रहे हैं। बच्चे को स्वस्थ है बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और उसकी माता बिल्कुल स्वस्थ है कोई पॉजिटिव पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है जो पॉजिटिव है उसकी भी जांच कराई जा रही बच्चे की भी जो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं उसका ऐसा होता है हम पीडियाट्रिशियन को दिखाया है उसकी सलाह लेंगे। रूटीन में इमीडिएटली पॉजिटिव पेशेंट की जो है वो जांच में एकदम से तुरंत पॉजिटिव नहीं आता है जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 से 14 दिन का होता है इसी हिसाब से 14 दिन का क्वारंटीन का भी रूल होता है तो फिर भी हम पीडियाट्रिशियन की सलाह लेंगे अगर वो जैसा कहेंगे हमें तुरंत जाँच करानी हम तुरंत जाँच कराएंगे वो कहेंगे इसके 14 दिन बाद जाँच कराऊँ 14 दिन बाद जाँच कराएंगे सलाह लेकर उसके बाद जैसा वो कहेंगे वैसे उसका